Hello everyone. In last lecture we have seen the convergence of improper integral. So in today's lecture we will be continuing about the convergence of improper integrals, but with the help of comparison test. With the help of this comparison test we will check the convergence of improper integrals. So our first comparison test is, if say we have two f and g are two positive functions, okay, means which is positive values on the given interval, and the condition is that if fx is less than equals to gx, matlab aap x ki values jab us function fx mein rakh rahe hain to always gx ki value se always less reh raha hai. Kab is interval ki baat kar rahe hain sirf hum, theek hai? Aapko given interval hoga us interval ke andar function, theek hai? Aur a is the only point of infinite discontinuity. पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मतलब जिस पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से, ओके, दैट इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी. तो ए ही एक सिर्फ ऐसा पॉइंट है जिस पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है. देन ये कह रहे हैं स्टेटमेंट से, इफ ए टू बी जी डी एक्स कन्वर्जेस, इफ जो फंक्शन जो ग्रेटर है फंक्शन, इफ दैट फंक्शन कन्वर्जेस, इफ दिस कन्वर्जेस, तो छोटे वाला फंक्शन अपने आप कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है. ये फर्स्ट रिजल्ट. सेकंड रिजल्ट क्या कह रहा है, अगर आपके पास छोटे वाला फंक्शन डाइवर्ज कर रहा है, ओके, आपके पास छोटे वाला फंक्शन अगर आपका डाइवर्ज कर रहा है तो आपके पास फिर बड़े वाला फंक्शन ऑब्वियसली डाइवर्ज करेगा, ओके. ये आपके पास दो रिजल्ट हैं. अब देखिए इसको कैसे यूज़ कैसे करना है. मान लीजिए आपके पास ए टू बी एफ एक्स डी एक्स या आपके पास कोई फंक्शन है, इसकी कन्वर्जेंस आपने चेक करनी है. अब इससे आपने फर्स्ट रिजल्ट कब यूज़ कर सकते हो, जब इस फंक्शन एफ एक्स से आप कोई बड़ा कोई फंक्शन ला सको, उस गिवन इंटरवल पे कोई आप एक बड़ा फंक्शन ला सको और वो किस तरह से बिहेव कर रहा हो कि ये कन्वर्ज करता हो, तो आप छोटे वाले को बता सकते हो, क्योंकि जो रिक्वायर्ड है जिसकी कन्वर्जन आपने चेक करनी है उसके बारे में आप कह पाओगे कि कन्वर्ज कर रहा है, ओके. अब सेकेंड वाला ये रिजल्ट कब हम यूज़ कर सकते हैं, जब आपके पास मान लीजिए इसी की कन्वर्जेंस चेक करनी है, अगर इसी की कन्वर्जेंस चेक करनी है आपने और आप इससे कोई आपको छोटा फंक्शन मिल गया, मान लीजिए ऐसे आपको कोई फंक्शन मिल गया और वो फंक्शन कैसा है, वो छोटा है और वो आपको डाइवर्ज करता हो, ठीक है. अगर वो डाइवर्ज करता हो तो आपका रिक्वायर्ड फंक्शन भी डाइवर्ज कर जाएगा, ओके. इस केस में आपका जो रिक्वायर्ड फंक्शन, जैसे हमें यहाँ पर मैंने जो लिया है एग्जाम्पल, उसमें एफ एक्स फंक्शन को ही चेक कर रहे हैं, ठीक है, दोनों केसेस में. इसमें क्या है, ये कब हेल्पफुल है, जब आपका फंक्शन छोटे वाला, जब आपको जी एक्स फंक्शन के बारे में जानना हो कि उसकी कन्वर्जेंस क्या रहेगी, तो आपको पास कोई एफ एक्स फंक्शन होना चाहिए जो डाइवर्ज कर रहा होगा, तो जी एक्स डाइवर्ज कर जाएगा, ओके, इस तरह से. तो सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट में क्या है, मान लीजिए एफ और जी आपके पास दो पॉजिटिव फंक्शन हैं अगेन, और ए इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, देन उनका रेशियो एफ एक्स बाई जी एक्स, जब आपने रेशियो लिया, ओके, मतलब डिवाइड किया दोनों फंक्शंस को और उस पर लिमिट ली, और लिमिट कौन से पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी पे, क्योंकि उसी पे तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज तो फंक्शन प्रॉपर ही है, ठीक है. तो आपने ए पॉइंट पे लिमिट ली, तो आपने चेक किया और वो लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है, फाइनाइट, ओके, मतलब इन्फिनिटी नहीं बननी, नॉन जीरो, जीरो भी नहीं होनी चाहिए और इन्फिनिटी भी नहीं बननी चाहिए, तो मतलब फाइनाइट एंड नॉन जीरो आपके पास लिमिट आई, इसका मतलब है बोथ आपके दोनों फंक्शन एक जैसा बिहेव करेंगे, ठीक है, बोथ एक जैसा बिहेव करेंगे, कन्वर्ज कर रहा, अगर जी एक्स कन्वर्ज कर रहा होगा तो एफ एक्स भी कन्वर्ज करेगा, और जी एक्स डाइवर्ज कर रहा होगा तो एफ एक्स भी डाइवर्ज करेगा. फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट की तरह नहीं है कि ग्रेटर और लेस होना चाहिए, ओके, तो अगर ये छोटे वाला डाइवर्ज करेगा तो बड़े वाला डाइवर्ज करेगा, ऐसा नहीं है. इसमें ये रिजल्ट इसलिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे पास. अब देखिए, मान लीजिए आपको चेक करनी है कॉन्टीन्यूटी, आपको चेक करनी है, सॉरी, कन्वर्जेंस आपको चेक करनी है ए टू बी एफ डी एक्स फंक्शन की, ठीक है. तो आप इनको क्या करना होगा, एक जी एक्स फंक्शन ऐसा लेना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ता है इसके केस में कि आप क्या करें, फिर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का रेशियो लेंगे, फिर उस पर लिमिट लगाएंगे, ठीक है, और वो लिमिट अगर फाइनाइट नॉन जीरो आती है तो इसका मतलब जी एक्स फंक्शन पे जाएंगे फिर, कि जी एक्स जो हमने लिया था उसका बिहेवियर कैसा है,
वो कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है. ओके उस फंक्शन को सिंपल को हम चेक कर लेंगे. ठीक है और हम देखिए ये हमें कहाँ हेल्पफुल हो रहा है. मान लीजिए हमारा एफ एक्स कोई फंक्शन मान लो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है हमारे पास से 0 to 5 cos x over x raised to power 5. ओके इफ 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आपके पास है तो जी एक्स हम किसे मान सकते हैं. सो ये आपका फंक्शन एफ एक्स हो गया. एफ एक्स इज कोस एक्स ओवर एक्स रेस टू पावर 5. तो हम जी एक्स किसे मान सकते हैं. 1 ओवर एक्स रेस टू पावर 5 को हम जी एक्स मान सकते हैं. 1 ओवर एक्स रेस टू पावर 5. तो अब हम जब रेशियो लेंगे रेशियो एफ एक्स ओवर जी एक्स कितना बच जाएगा. सिंपली हमारे पास कोस एक्स बच जाएगा सिर्फ. ओके तो नाउ इस पर लिमिट ले लेंगे हम और उसकी फाइनाइट वैल्यू आ रही है नहीं आ रही वो हम चेक कर लेंगे. फिर उसके बाद हम एक्स रेस टू पावर 5 0 टू 5 सिर्फ इसकी इम्प्रॉपर इंटीग्रल को चेक करना है कि कन्वर्ज कर रहा है डाइवर्ज कर रहा है. अगर ये कन्वर्ज करेगा तो आपका ये जो रिक्वायर्ड फंक्शन था ये भी कन्वर्ज करेगा. इफ दिस डाइवर्जेस तो आपका ये फंक्शन भी डाइवर्ज करेगा. ओके इस तरह से यूज़ करना है इससे हमें. अभी लास्ट एक कंपैरिजन टेस्ट है क्या हो अगर ये जो लिमिट हम यहाँ पे ले रहे थे ना दिस लिमिट अगर आपके पास इन्फिनिटी बन जाए या ज़ीरो आ जाए तो क्या होगा. तो वो ही आप इस थर्ड में देखोगे. अब देखिए अगर ये रेशियो आपने जो लिया है ये ज़ीरो आ जाए तो ये लिमिटेड केस है. ठीक है इसकी तरह नहीं है कि एक कन्वर्ज कर रहा होगा तो दूसरा भी कर जाएगा एक डाइवर्ज कर रहा होगा तो दूसरा भी डाइवर्ज कर जाएगा ऐसा नहीं है. ये क्या कह रहा है कि ये कंडीशन हो रही है ज़ीरो आ रहा और साथ में जो जिस फंक्शन से आपने डिवाइड किया है दैट इम्प्रॉपर इंटीग्रल अगर कन्वर्ज कर रहा हो. ओके ये ज़ीरो आ रहा हो और ये कन्वर्ज कर रहा हो डिनोमिनेटर वाला आपका इंटीग्रल तो आपका रिक्वायर्ड फंक्शन कन्वर्ज करेगा. देखिए एंड कंडीशन है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो साथ में फिर इसको भी चेक करना पड़ेगा. देखिए अगर आपके पास लिमिट फाइनाइट और नॉन ज़ीरो आई तो सिंपली इस तरह से आप उसको सिंप्लीफाई कर पाओगे. बट अगर वो ज़ीरो आ गई तो आपको फिर ये इंटीग्रल जी डी एक्स को भी चेक करना पड़ेगा कि वो कन्वर्ज कर रहा है नहीं तो वो आपका फंक्शन कन्वर्ज करेगा. अगर जी डी एक्स आपका डाइवर्ज कर रहा होगा ध्यान दो अगर आपके पास ये रेशियो ज़ीरो आया और आपका दिस इंटीग्रल जी डी एक्स आपने चेक किया और वो डाइवर्ज कर रहा है तो आप इस फंक्शन सॉरी इस इंटीग्रल एफ डी एक्स के बारे में नहीं कह सकते बिकॉज हमारा रिजल्ट सिर्फ कब कह रहा है जब जी डी एक्स कन्वर्ज कर रहा है. लाइकवाइज जब ये रेशियो इन्फाइनाइट आ रहा है हमारे पास और आपके पास दिस इंटीग्रल डाइवर्ज कर रहा है तो आपका एफ इंटीग्रल एफ डी एक्स डाइवर्ज करेगा. ठीक है ये इनफाइनाइट आया रेशियो और जी डी एक्स कन्वर्ज कर रहा है तो हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि आपका इंटीग्रल एफ डी एक्स कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज कर रहा होगा. ओके तो ये तीन कंपैरिजन टेस्ट थे. नेक्स्ट हम एग्जांपल्स करेंगे और एक आधे और कंपैरिजन टेस्ट हम देखेंगे इसमें.